जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांस फिल्टर के बारे में। देखिए, सबसे पहले एडवांस फिल्टर के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस का प्रयोग हम लोग करने को मिलता है, वही आज की क्लास में सीखना। देखिए, सबसे पहले अगर हम एडवांस फिल्टर के बारे में बात करें तो एडवांस फिल्टर का मतलब ये होता है कि जैसे कोई ऐसा सेल्समैन है जो कई जगहों पे जाकर के अगर प्रोडक्ट सेल किया हो तो उस व्यक्ति के हिसाब से आपको ये जानना हो कि टोटल कितने रुपए का सेल किया हो, तो इसके लिए केवल व्यक्ति के नाम से हम आसानी तरीके से फिल्टर लगा करके देख सकते हैं कि किस इम्प्लाई ने कितने रुपए का सेल किया हुआ। जैसे देखिए, इसमें कई बार ऐसा नाम होगा जो दो बार रिपीट किया गया हो, दिख रहा है ना। तो ऐसे केस में मान के चलिए कि अगर किसी एक इम्प्लाई के बारे में आपको पता करना हो कि कौन से इम्प्लाई कितने रुपए का सेल किया है, इसके लिए हमको एडवांस फिल्टर का प्रयोग करना होता है। और इसका प्रयोग कंपनियों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि बहुत सारी कंपनियों में इम्प्लाई हैं, उस प्रत्येक इम्प्लाई के बारे में ये जांच करना हो कि कौन सा इम्प्लाई कितने रुपए का सेल किया हुआ है, तो इसके लिए एडवांस फिल्टर ऑप्शन के माध्यम से हम जान सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई फार्मूले का प्रयोग नहीं करना, समझ में आ रहा है ना। हम चाहेंगे तो ये निकाल सकते हैं सेल्समैन के आधार पे, या चाहेंगे तो प्रोडक्ट के हिसाब से निकाल सकते हैं, चाहेंगे तो सिटी के हिसाब से निकाल सकते हैं, और चाहेंगे तो सेल्स 2020, 21, 22, 23 के आधार पर भी निकाल सकते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि 2020 में 25,000 से ऊपर किसका किसका सेल है, उसको आप छांट करके बताइए। तो मान के चलिए अभी आपके पास डेटा मात्र 12 है, तो केवल देख देख करके आप बता सकते हैं कि किसका किसका सेल 25,000 से अबव। लेकिन वही टेबल में अगर इम्प्लाइयों के सेल ज्यादा मात्रा में हो और सेल अमाउंट अगर ज्यादा मात्रा में हो और यही टेबल अगर ज्यादा अमाउंट में बना हुआ हो तो उस केस में आपको छांटने में दिक्कत आएगी, तो आप नॉर्मल तरीके से कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एडवांस फिल्टर का प्रयोग करके हम आसानी तरीके से इस वैल्यू को हम आसानी तरीके से पकड़ सकते हैं, कैचिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए एडवांस फिल्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे मान के चलिए कि इसमें अभी मात्र एक से लेकर के मैंने 12 ही डेटा बनाया है, क्या किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो कोई जरूरत है कि 12 ही डेटा मिलेगा आपको, ज्यादा भी तो डेटा मिल सकता है। उस केस में अगर आपको ये आपको कैप्चर करके फिल्टर करके अलग करना हो तो आपको दिक्कत होगी। तो आप आसानी तरीके से फिल्टर करना चाहते हैं तो एडवांस फिल्टर की मदद से आप ये निकाल सकते हैं कि तो कौन सी इम्प्लाई कितने रुपए का सेल किया हुआ। तो देखिए, इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले पहले तो आप इस तरीके से आप डेटा तैयार कर लीजिए। और डेटा तैयार करने के बाद यहाँ पे जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है ये देखिए, आप चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं या चाहेंगे तो इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, केवल हेडिंग को यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और इसी के जस्ट नीचे लाकर के Ctrl+V से पेस्ट कर लो। अब पेस्ट करने के बाद अब जैसे मान के चलिए आपको एडवांस फिल्टर लगाना है किसके आधार पे, सेल्समैन के आधार पे। अब इसमें से किसी एक सेल्समैन का देखना है कि वो कितने रुपए का टोटल सेल किया हुआ। जैसे कि मनीष, मनीष का नाम कई बार दिया हुआ है, दो बार दिया है ना, दो बार दिया हुआ मनीष का नाम। तो मनीष के नाम के हिसाब से ये डेटा को फिल्टर करके बताएं कि मनीष ने कौन सा प्रोडक्ट किस सिटी में कितने रुपए से बेच रखा है। तो इसके लिए एडवांस फिल्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि नाम ऐसे नॉर्मल तरीके से आप लिख देंगे तो आ जाएगा, इसके लिए तरीका है कि कैसे आपको लिखना है। इसके लिए सबसे पहले इक्वल करना और डबल टेड कामा लगाना, और यहाँ पे लिखना है मनीष और डबल टेड कामा क्लोज और एंटर कर देना, समझ में आया। जिस हिसाब से आपको जानना है, अगर सिटी के हिसाब से जाना है तो सिटी को इसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट के हिसाब से जानना है तो प्रोडक्ट को ऐसे ही लिखना पड़ेगा जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ। लिखने के बाद पहले वाले पूरे टेबल को आपको सिलेक्शन कर लेना, ठीक है ना। और सिलेक्शन करने के बाद मतलब इस टेबल में से हम क्या छांट करके अलग करना चाहते हैं, मनीष, केवल मनीष का डेटा दिखाएं और बाकी डेटा कुछ समय के लिए हाइड हो जाए, इसी को तो फिल्टर बोलते हैं। तो इसको सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद से डाटा टैब में चले जाएं और यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिल्टर टू करा फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, क्राइटेरिया रेंज में आ जाएंगे। किसके क्राइटेरिया के हिसाब से जानना है तो नीचे मैंने जो हेडिंग दिया है
इस क्राइटेरिया के हिसाब से जानना। और क्या तो हमको यूनिक रिकॉर्ड जानना है, किसका मनीष का। ओके करिए, देखिए केवल मनीष का रिकॉर्ड आपको दिखाया और बाकी रिकॉर्ड कुछ समय के लिए क्या हो गया, हाइड हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मैंने किसके हिसाब से फिल्टर लगाया, सेल्समैन के हिसाब से। वही अगर आपको प्रोडक्ट के हिसाब से लगाना हो तो सेम तरीके से, जिस तरीके से आपने इम्प्लाई को लिखा है उसी तरीके से प्रोडक्ट के हिसाब से लिखेंगे। और प्रोडक्ट जैसे, अब मनीष का नाम हटा देते हैं, एक बार में एक ही क्राइटेरिया दे सकते हैं, इतना क्लियर करिएगा। अब हम निकालेंगे किसके आधार पे, प्रोडक्ट के आधार पे। तो कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बार बार सेल हुआ हो, जैसे लैपटॉप दिया हो, तो कैसे लिखेंगे, इक्वल, और एडमिटेड कामा में क्या लिखेंगे, लैपटॉप। स्पेलिंग सही लिखिएगा, अब यानी कि ऊपर स्पेलिंग कुछ और नीचे कुछ और, तब नहीं आएगा। अब एंटर बटन प्रेस करेंगे, सेम तरीका। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पूरे टेबल को एक साथ सिलेक्शन करेंगे, और डाटा और एडवांस में आ जाएंगे, और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में नीचे वाला क्राइटेरिया को सिलेक्शन करना। अब क्राइटेरिया मैंने सेल्समैन का दिया था ना, किसका क्राइटेरिया मैंने दिया, प्रोडक्ट का, और यूनिक रिकॉर्ड पे क्लिक करके बस ओके करिए। देखिए केवल लैपटॉप का ही सेल आपको दिखा है, किसने, तो मनीष ने सेल किया लैपटॉप कहाँ पे, कसिया में। प्रशांत ने सेल किया लैपटॉप कसिया में, मनीष ने लैपटॉप सेल किया देवरिया। कोई दिक्कत? तो जिस हिसाब से आप फिल्टर लगा करके देखना चाहते हैं उस हिसाब से फिल्टर लगा करके आप देख सकते हैं। और भी इसमें एक और तरीका देखिए। अब तो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट के हिसाब से, अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर क्या सिटी के हिसाब से दिखा सकता है, बोलिए। तो कौन कौन सा ऐसा सिटी है जो रिपीटेड है, जो बार बार दिख रहा है आपको, बताइए। कैसे है ना, चलिए जैसे यहाँ पे केवल कसिया सिटी का देखिए। सबसे पहले इक्वल डोमिटेड कामा में क्या लिखेंगे, कसिया, और डोमिटेड कामा क्लोज करके एंटर करेंगे। अब फिल्टर के लिए जरूरी है, इतना आपको करना पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा, तब नहीं, इसके पहले नहीं हो पाएगा। अगर इस तरीके से आप नहीं लिखते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये वैल्यू आपका फाइंड नहीं कर पाएगा। पहले वाले पूरे टेबल को हम एक साथ क्या करेंगे, उसके बाद एडवांस में आ जाएंगे, यहाँ पे एडवांस में आ जाएंगे, और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज पूछेगा, इसमें सेकेंड वाले टेबल को सिलेक्शन कर लेंगे, और यूनिक रिकॉर्ड पे क्लिक करके बस ओके कर देंगे। केवल पड़ोना का सेल, कसिया का सेल बताए, सही है कि गलत है, सही है। अब चलिए, अब आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि इसमें आप केवल वही वैल्यू अलग करके आप दिखाइए जिसका सेल अमाउंट 2020 में 20,000 से ज्यादा, तो किसका किसका आएगा। एक राजन का आ जाएगा, राम का आ जाएगा, देखिए मैं रेड कलर से पेंट कर दे रहा हूँ समझने के लिए, किसका आएगा, राजन का आ जाएगा, इसको आप यहाँ से रेड कर दीजिए। और किसका आएगा, राम का आ जाएगा, इसको भी रेड कलर से पेंट, और किसका, मंकेश का आ जाएगा, इसके बाद प्रशांत का आ जाएगा, इसके बाद 20,000 से ऊपर की बात हो रही है, तो किसका आएगा, प्रवीण का आएगा। यानी कि कुल कितने सेल्समैन हुए, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब ये रेड कलर वाला ऑप्शन इसमें आपको कैप्चर करके दिखाएगा। लेकिन देखिए इसके लिए क्या तरीका है, अब कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखना और डोमिटेड कामा ओपन करना। अब चूंकि ग्रेटर देन की बात हो रही है ना, 20,000 से ज्यादा, तो ग्रेटर देन लेंगे ना, और तब कितना अमाउंट लेना है, 20,000। मतलब इस पूरे 2020 में वही वैल्यू हमको मतलब फिल्टर करके दिखाया जो 20,000 से ऊपर है, और बस एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। क्या लिखे आया, ग्रेटर देन 20,000, मतलब 20,000 से ऊपर, अगर 20,000 है तो एक्सेप्ट नहीं करे। मैंने पढ़ाया था ना इसके पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब देखिए करना क्या, पहले वाले पूरे टेबल को आप सिलेक्शन करिए, डाटा टैब में चले जाइए, और यहाँ पे कहाँ पे आना है, एडवांस में आना है, इसमें क्राइटेरिया रेंज में क्या लेना है, सेकेंड वाली क्राइटेरिया लेना। आप यहां से यूनिक रिकॉर्ड पे क्लिक करके ओके कर दे, सही है कि गलत है। जो मैंने यहाँ पे सेल्समैन को अलग मैंने कलर दिया था, बस वही सेल्समैन आया हुआ है, क्यों, क्योंकि इसका सेल 2020 में 20,000 से ऊपर। कोई दिक्कत किसी को, तो ऐसे हम आसानी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए इसमें हम क्या फार्मूला लगाएंगे, बताइए, टोटल सेल अमाउंट में, इसमें तो कोई हेडिंग नहीं दिया है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे।
तो इसका एक अनुमान लगाएंगे कि मान के चलिए कि 17 यानी कि 1,75,165 सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, दिखाइए तो इसमें वही है ना 1,75,165। हम ये जानना चाहते हैं कि 1 लाख से ऊपर किसका किसका सेल हुआ, उसी को केवल फिल्टर करके दिखा। तो इसमें सेल 2023-22-21 लेने का कोई मतलब नहीं है, इसमें बात किसकी करेंगे, अमाउंट की बात करेंगे बस। देखिए सेम तरीका, सबसे पहले इक्वल करेंगे, इसके बाद डिवाइडेड कामा, इसके बाद से ग्रेटर देन, कितना 1, 2, 3, 4, 5 सही है, और डिवाइडेड कामा क्लोज और ब्रैकेट सॉरी एंटर कर देंगे बस। अब ये कौन सी वैल्यू कैप्चर करेगा, 1 लाख से ज्यादा, अगर किसी का 1 लाख होगा तो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 1 लाख से ऊपर जो भी होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे पहले वाले पूरे टेबल को सिलेक्शन करेंगे और यहां से डाटा टैब एडवांस फिल्टर में चले जाएंगे, इसमें आपको ले लेना है क्राइटेरिया रेंज में नीचे वाला क्राइटेरिया, यानी कि अब हमको क्राइटेरिया कौन सा देना है, टोटल सेल अमाउंट के हिसाब से यूनिक रिकॉर्ड पे क्लिक करिए और बस ओके कर दीजिए। सही है कि गलत है, सही है, यही आज की क्लास में आपको जानना था। तो ये फिल्टर करके आप आसानी तरीके से देख सकते हैं, लेकिन आप डेटा इस आधार पे बनाइएगा कि एक ही एम्प्लाई का नाम कई जगह दिया होगा, तभी जाकर के आसानी तरीके से फाइंड कर सकेंगे, ठीक है ना, हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इस फार्मूले में, आवाज नहीं आ रहा, कोई नहीं बोल रहा, हो जाएगा। इसमें कल कितने लोग नहीं आए।